भाई इन्होंने आग लगा दी। वाह आग लग गई। वाह बच्चे मन के सच्चे आलू खाते कच्चे। Hey guys, good morning, welcome back to the Sony Vlogs। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है guys, और आज है ट्यूजडे, लेकिन आज कॉलेज वालों ने रखा ऑफ क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो एक एक दिन गैप दे रहे, बीच में कभी तीन दिन दे रहे, कभी एक दिन दे रहे। तो guys कल हमारा सेकंड इंटरनल जो कि है इलेक्ट्रोथेरेपी का, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्टिनोथेरेपी। फिलहाल अभी जल्दी से उठी रखे हैं, तो नहावा लेता हूँ फटक से, फिर सोन को कॉल करना है। वो कॉलेज गई नहीं है क्योंकि यार उसके वहाँ भी शायद छुट्टी है। तो फिलहाल यार ब्रेकफास्ट करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इस तो अभी बज रहा है यार दिन के एक, और अभी हम आपको एक स्पेशल डिश दिखाने वाले हैं, और जो कि बच्चे बना रहे हैं भाई चूल्हे में। यार प्योर पहाड़ी, जैसे पहाड़ में नहीं होता चूल्हा वूल्हा जला के बनाते हैं, तो हम दिखाते हैं हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे क्या बना रहे हैं आज। और आलू पहले से रहे थे। अच्छा तो इसको खाते मतलब टेस्ट कैसा आता है इसका? इसका बहुत टेस्टी टेस्ट आता है और बिल्कुल गैस से अलग। अच्छा मतलब प्योर खुशबू आती है ना चूल्हे की। हाँ। तो फिर तुमने पहले ही बनाया है कभी ऐसा? अच्छा तो गाइस यार ये बना रहे हैं यहाँ पर चूल्हा, चूल्हे में आलू। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या देंगे हम इस आलू को? पहाड़ी आलू। इसमें नमक मसाला वगैरह भी लगेगा कुछ? अच्छा तो गाइस यार आप देख सकते हैं बच्चों की कलाकारी। तो मेरे को लग रहा है बड़े होके HM करने वाले हो क्या? HM करोगे बड़े होके? होटल मैनेजमेंट? ना ना वो नहीं है ना इंटरेस्ट। लेकिन यार ये बना रहे हैं, ये सिर्फ बना रहे हैं, इनका शौक है। तो भाई ये पता नहीं क्या क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं आज। डंडे पे डालेंगे ना? मम्मी की धमकी आ रही है ऊपर। यार ऊपर से इनकी मम्मी की धमकी आ रही है कि ऊपर आ जाओ पढ़ाई करो। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई करके आए, लेकिन मम्मी बोल रही है पढ़ाई करो। अब पता नहीं क्या होगा, आलू बनेंगे नहीं बनेंगे कुछ पता नहीं है। बनेंगे मम्मी तो बुला रही है, लेकिन वो ऐसे नहीं लग जाएगी, लग जाएगी लग जाएगी। अभी बच्चे की क्रिएटिविटी देखो, इन्होंने पुरानी कॉपियों के पेज ला के आग लगाएंगे इससे। बस मेरी मैथ की टीचर ना देखे। नहीं यार तो इतने फेमस नहीं है हम कि तुम्हारी टीचर तो चले जाएगा ब्लॉग। गार्डन में सब बनेंगी वनके के दिन। भाई इन्होंने आग लगा दी। वाह आग लग गई। वाह तो गाइस यार फिलहाल यहाँ पर चूल्हे में जल चुकी आग, और केरोसिन भी इनके पास, सारी सुविधा यार बच्चों के पास। और इन्होंने पहले भी ऐसी डिश बना चुके हैं यार चूल्हे में आलू डाल के। अब मैंने भी इनको चार आलू दिए, तो मैंने कहा हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ में फिर खाएंगे। अभी देखते हैं कि मसाला मसूला कुछ चाहिए, नमक वगैरह वो भी मैं इनको प्रोवाइड कराऊंगा, देखते हैं आलू कैसे बनते हैं। तो फिलहाल इसमें कितना टाइम लगेगा सैमू, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? एक दो घंटे? अभी एक बज रहा है, दो ढाई बज, ऐसे आधे घंटे में हो जाएगा? नहीं नहीं। फिलहाल फिर जल चुकी है आग, आग बुझ जा रही है, बात तो यह है ना। अगर सैमू और अप्पू की टीचर अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो इनको डांटना मत पेजेस के लिए, क्योंकि ये कॉपी पुरानी हो गई थी। तो फिलहाल इस सेशन की है, पुराने सेशन की है ना। हाँ जो भी टीचर अगर इनका ब्लॉग देखेगा मेरा, तो यार इनको डांटना मत, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चे मन के सच्चे आलू खाते कच्चे। तो फिलहाल अब आधे घंटे बाद आपको दिखाएंगे आलू बने कैसे हैं, तो स्टे ट्यून। 2000 years later। तो भाई यार फिलहाल एक घंटे के बाद इनके आलू शायद बन चुके हैं, और ये बहुत देर बाद आ रहे हैं। इनकी मम्मी ने इनको गुस्सा करके बुला लिया था, अभी सैमू आना बाकी है, तो जो यहाँ का मेन शेफ है इस चूल्हे का, तो उसका वेट करते हैं पहले, और वही आलू निकालेगा और वही हमें खिलाएगा। तो स्टे ट्यून। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं कि चूल्हे में से आलू कैसे निकलेंगे और हम खाएंगे उसके बाद। सैमू निकालो भाई, आलू निकल रहे हैं भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे चूल्हे में आलू पके हुए। और हमने आइसक्रीम भी बनाई। आइसक्रीम कब बनाई? अभी। अच्छा अच्छा भाई तुम मतलब कलाकारी हो तुम लोग। देखेंगे भाई टेस्टी टेस्टी आलू, दिखने तो सही लग रहे हैं वैसे दिखने के, अब देखते हैं खाके। दो रहन दो, दो चूल्हे को खिला दो, नमक वमक डाल के खाएंगे है ना। तो गाइस फिलहाल हमारे आलू बन चुके हैं और हम खाएंगे आलू टेस्टी टेस्टी। सैमू
कुछ कहना चाहते हो? नहीं। ये कुछ नहीं कहना चाहता गाइस, अब पेट में लग रही है भूख। ये आलू कम और हथगोला ज्यादा लग रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं आलू भाई बहुत अलग टेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। खाकर तो भाई मैंने देख लिया, चख लिया मैंने कैसा है, बहुत मस्त। जले जले की खुशबू आ रही है, चूल्हे वाली खुशबू होती है वही आ रही है भाई। हाथ देख रहे हो, सेहत के लिए इतनी मस्त है ना, इसको खा के शुगर और बढ़ जाता है, क्योंकि आलू नहीं खा लेती ना शुगर वाला। टीचर सब्सक्राइब करवाना जरा, मदद टॉन्स ब्रिज वाली टीचर जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, बच्चे टॉन्स ब्रिज के दोनों के दोनों वही चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। देखो अब तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, जो भी डिश है, आलू भी है, हथगोला, क्या क्या बोलेंगे इसको, आलू बम प्लस प्याज प्लस नमक। तो गाइस आज हम खा रहे हैं आलू बम, आप भी खाइए। नहीं बहुत है, फाइनली हमने आलू खा लिए और ये आपको बताएंगे कि आलू बनते कैसे हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो भी कोई देख रहा है, अगर आपको कोई फंक्शन है, शादी है, नामकरण है, घर में कुछ भी है, आपको ये डिश आपके वहाँ चाहिए, तो एक दो तीन, हम तीन कारीगर हैं और तीनों ऐसी डिश बनाएंगे ना भाई, पूरी कसम करती है। लकड़ी वहाँ से आते हैं, लकड़ी का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, आलू आपके होना चाहिए, प्याज आपका होना चाहिए, चूल्हा आपका होना चाहिए, बस हम बना के आपको बना लेंगे चूल्हा। हम बना लेंगे, पैसे कितना? नहीं एक प्रोग्राम अच्छा हवा नहीं जाएगी करके ना, एक बन गया, दिखाओ छोड़े छोड़े रहने दो, तो ये दो चूल्हे को खिला दो। बज रहा शाम के साथ और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना यार, बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि आज बच्चों के साथ पूरा दिन रहे और उन्होंने ना हमें आलू बम खिलाए, तो एक उन्होंने खुद ही नाम दे दिया, मतलब आलू को चूल्हे में डाल के आलू बम बना दिया और उसमें थोड़ा हमने पिसा हुआ नमक लगाया और प्याज से सैलेड की तरह प्याज डाल के, भाई इतना टेस्टी हो रहा था ना गजब का। और उन्होंने वीडियो में उसकी जो भी उसकी रेसिपी थी सब शेयर करी, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, अगर आपको खाने हैं आपको बनाने हैं, मतलब उसका ना हम लोग जो उबाले हुए आलू खाते हैं या आलू की गुटके खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं, उन सबसे अलग टेस्ट था उसका। फिलहाल यार कल मेरा एक एग्जाम और इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं गाइस, बी सेफ एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल, बाय।